हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये फैक्ट फिल्ड एपिसोड एकदम ज्यादा अलग और एक लेवल ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस स्क्रीन के पीछे बैठे आप सबकी पर्सनालिटी के बारे में बिल्कुल सटीक जवाब दूंगा। हाँ, सच में। बस उसके लिए आपको अपनी आंखों को एकदम स्क्रीन पर चिपकाए रखना होगा, वरना मैं उन्हें रीड नहीं कर पाऊंगा ना, और मेरे एक आज सवालों का जवाब देना होगा। सो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मुझे एक बात एकदम सच सच बताना, आप सबको अपनी राशि भविष्य को जानने की शुल्क कभी ना कभी तो मची होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे, नहीं बाबा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता एन ऑल, बट आई एम डैम श्योर, जब आप किसी पेपर को पढ़ रहे होते हो तो उसमें के राशि वाले कॉलम पर आपकी नजर कभी ना कभी तो गई होगी और आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। पर अगर मैं कहूं कि इससे भी बेहतर तरीका है आपकी पर्सनालिटी को जानने का, तो यानी सिर्फ हाथ की लकीरें या यूं ही कुछ कार्ड्स पिक करने के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। उनमें से एक चीज है आपकी बर्थ डेट। यस फ्रेंड्स, आपकी पर्सनालिटी एक तरह से आपकी बर्थ डेट से भी जानी जा सकती है, और ये बात खुद महान फिलोसोफर पाइथागोरस ने भी कहा है कि पूरे जहां को नंबर्स में डिफाइन किया जा सकता है, और इसे न्यूमरोलॉजी या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है। और आज इसी की मदद से मैं आपको आपके प्रेजेंट पर्सनालिटी, लव लाइफ, जॉब्स एंड करियर वगैरह वगैरह चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले ये न्यूमेरिक नंबर कैसे ढूंढे, ये सवाल हर किसी को होगा, राइट? वेल, अगर आपको आपकी पर्सनालिटी को जानना है तो सिंपली अपने बर्थ डेट को काउंट करो और उसे वन सिंगल नंबर में कन्वर्ट करो। जैसे अगर तुम्हारी बर्थ डेट 1 अक्टूबर 1998 है, तो 1+1+0+1+9+9+8=29। अब इस 29 को तब तक ऐड करो जब तक आपको सिंगल नंबर ना मिले, यानी 2+9=11। अब भी सिंगल नंबर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, द चेन कंटिन्यूज, यानी 1+1=2। सो अगर आपकी बर्थ डेट 1 अक्टूबर 1998 है तो आपका न्यूमेरिक नंबर होगा 2। सो आपके पास अगले 5 सेकंड है, निकालो पेन और पेपर और कैलकुलेट करो अपना न्यूमेरिक नंबर। एक और बात, किसी का बर्थ नंबर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 0 ये लाइफ पाथ नंबर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का होता है। सो डन प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, सो बात करते हैं नंबर 1 से। वेल फ्रेंड, जिसका लाइफ पाथ नंबर 1 आया, वो लोग ज्यादातर फ्रेंडली नेचर के होते हैं और साथ ही उन्हें छोटी मोटी चीजें सीरियसली लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और जब बात प्यार की आए तो ये लोग अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 होता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और लोगों के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए फ्रेंड्स, फैमिली और प्यार तो प्रायोरिटीज होती ही हैं, मगर फिर भी उन सब के अलावा वो खुद के लिए टाइम निकालना कभी नहीं भूलते। नेचर के साथ रहना उन्हें ज्यादा पसंद है। अगर ये बोर हो रहे हो तो सीधा बैग भर के निकल पड़ते हैं नेचर की ताजी हवा का लुत्फ उठाने। नंबर 2, जिसका बर्थ डेट का कैलकुलेशन आया नंबर 2, उन्हें बता दूं, तुम लोग बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो एक टीम को चलाने के लिए लगती हैं। यानी लाइफ पाथ नंबर 2 वाले लोगों के अंदर टीम वर्क, मोटिवेशन और हेल्पिंग नेचर जैसी एबिलिटीज होती हैं। और अगर ये अपना खुद का कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो भाई कर लो शुरुआत, क्योंकि आपको आपके अंदर के स्किल्स की वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब अगर बात लव लाइफ की करें तो इन्हें ज्यादातर किसी पर डिपेंडेंट रहना नहीं पसंद है, जिसकी वजह से उन्हें समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इन्हें ज्यादातर अपनी लाइफ को शांति के साथ व्यतीत करना पसंद होता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके उस फ्रेंड को शेयर करो जिसका लाइफ पाथ का नंबर 2 हो। नंबर 3, दोस्तों 1 और 2 की पर्सनैलिटी तो देख ली, वहीं जब नंबर 3 की बात करें तो ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिन्हें हर काम ऑन टाइम और एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। और तो और, इनका चीजों को चुनने का तरीका भी बहुत अलग होता है। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, ये नंबर 3 वाले लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना और साथ ही अपने प्रेजेंट लाइफ को जीना इनके लिए थोड़ा अनबैलेंस्ड होता है। इन्हें अपने करीबी दोस्तों के साथ चिल करना ज्यादा पसंद है, भले ही इनकी प्रायोरिटीज वो खुद होते हैं, पर अगर कोई इनसे मदद मांग ले तो वो उसे हेल्प करने से कतराते नहीं है। नंबर 4, अगर आपका न्यूमेरिक नंबर 4 आया है तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहते हो, जिसके लिए आप हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रहते हो। खाने से लेकर सोने तक हर चीज का शेड्यूल आप रेडी रखते हो, इसलिए आपको जब भी देखें तब आप वेल मेंटेन और अप टू डेट नजर आते हो। और आपकी इसी खूबी की वजह से आप मोस्टली इवेंट्स प्लानिंग और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आसानी से कर पाते हो। इतना ही नहीं, लाइफ पाथ नंबर 4 के लोगों की नजर हर उस छोटी से छोटी चीज पर गिरती है जिसे सभी अनदेखा कर देते हैं, और वो उसकी भी प्रशंसा करते हैं। अब बात करें इनके रिलेशनशिप की, तो इन्हें बिल्कुल उन्हीं की तरह वेल ऑर्गेनाइज पार्टनर्स पसंद हैं। और अपने पार्टनर को खुश कैसे रखना है, ये बात में नंबर 4 वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी लव लाइफ वाकई में रोमांस से भरी होती है। नंबर 5, अब जिनका लाइफ पाथ नंबर 5 है, उन्हें
हमें घूमना फिरना नई चीजें एक्सप्लोर करना और कुछ इंटरेस्टिंग सीखना ज्यादा पसंद होता है और इसी वजह से ज्यादातर नंबर 5 वाले लोग ऑफिस में जाकर काम करना टालते हैं और एक ऐसी जॉब ढूंढते हैं जिसके लिए उन्हें ढेर सारा ट्रैवल करना पड़े या फ्रीलांसिंग के जॉब्स उनके लिए टॉप प्रायोरिटीज होते हैं यानी घूमना फिरना और काम तीनों साथ में ही। और तो और ये लोग किसी भी चेंज को विद इन अ सेकंड अडेप्ट कर लेते हैं फिर वो जगह हो लोग हो या क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्हें किसी चीज से कोई शिकायत नहीं होती और इसी वजह से इन्हें अपने पार्टनर में कुछ ऐसी क्वालिटीज चाहिए होती हैं जो बाकियों से एकदम हटके हों यानी फ्री स्पिरिट और सपोर्टिव नेचर चाहिए होता है और ऐसा कोई जो उन्हें समझ सके और उनका साथ दे। क्यों सही गाना मैंने नंबर 5 नंबर 6 वेल जिनका न्यूमेरिक नंबर 6 है वो लोग ज्यादातर दिमाग के अलावा दिल की सुनते हैं। वेल इनके लिए बेस्ट ऑक्यूपेशन है टीचर्स सोशल वर्कर्स या थेरेपिस्ट क्योंकि इन्हें लोगों को हेल्प करना ज्यादा पसंद है मतलब इन्हें खुद के प्रॉब्लम्स का अता पता नहीं होता मगर ये किसी और की लाइफ के प्रॉब्लम्स का हल चुटकियों में निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं ये मनमौजी होते हैं जिसकी वजह से इनके पास पैसे ज्यादा टिक नहीं पाते हालांकि इन्हें दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और इनके फ्रेंडली बिहेवियर से बहुत से लोगों को लगता है कि वो इन्हें जानते हैं मगर एक्चुअल में इसके टोटली ऑपोजिट होता है। नंबर 6 वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके करीबी लोग ही जानते हैं। फ्रेंड्स ये लोग अपने पार्टनर्स के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल और केयरिंग होते हैं इसी वजह से इन्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना पसंद है बस इसी वजह से कई बार इनका दिल बुरी तरह से टूटा है। नंबर 7 वेल बात करें नंबर 7 के बारे में तो फ्रेंड्स नंबर 7 वाले लोग नंबर 6 वाले लोगों से टोटली ऑपोजिट होते हैं वो दिल से सोचते हैं तो ये दिमाग से। इतना ही नहीं लाइफ पाथ नंबर 7 वाले लोगों को मोस्टली इंटेलिजेंट भी कहा जाता है। ज्यादातर ये लोग प्रोफेसर्स और फिलोसफर्स होते हैं और किताबी कीड़े होने के कारण इनको रिलेशनशिप का क्रेज इतना नहीं होता और इसी वजह से इनका इमोशनल साइड भी हिडन होता है और कभी इनके पार्टनर्स में मूड स्विंग नजर आए तो उनके मूड्स को संभालना इनके लिए लगभग इम्पॉसिबल सा होता है और जब ये ट्राई करें अपने दिल की सुनने की तो मोस्टली इनके डिसीजंस रॉन्ग साबित हो जाते हैं। इंटेलिजेंसी के मामले में ये 10 में से 10 ले जाते हैं वहीं रोमांस के मामले में इनका स्कोर 0.1 से भी कम होता है। नंबर 8 दोस्तों जिनका बर्थ टोटल 8 आया है वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। कल करे सो आज कर आज करे सो अब ये कहावत दरअसल में इन्हीं के लिए बनाई गई है। ये किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करते और साथ ही वो चीज एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह करते हैं। इनका फोकस ज्यादातर बजट पर होता है और इन्हें नंबर्स और वर्ड्स के साथ खेलना यानी मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करना बेहद पसंद होता है और साथ ही इन्हें हर चीज में छुपे लॉजिक को ढूंढना होता है। इनके लॉजिक के चक्कर में कई बार इनकी रिलेशनशिप की नैया प्यार के समुंदर में टिक नहीं पाती है। इनका स्टबर्न स्वभाव और हर चीज को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होने के कारण ये हर बार अपने पार्टनर्स को खो देते हैं। नंबर 9 वेल फ्रेंड्स हम फाइनली हमारे लास्ट डिजिट पर पहुंच गए हैं। नंबर 9 वेल जिसका न्यूमेरिक नंबर 9 है उन्हें ज्यादातर यूनिटी में बिलीव होता है यानी उनके मुताबिक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे साथ मिलकर ना किया जाए और इसी वजह से इनका फ्यूचर ब्राइट और लोगों से भरा हुआ होता है। ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। इन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता यानी ज्यादातर किसी भी चीज को करने के बाद उसके रिटर्न में कुछ ना भी मिले तो भी ये लोगों की मदद करते रहते हैं। खुद की नाव डूबती नजर आए फिर भी वो दूसरों की मदद करते हैं और इनके इसी नेचर की वजह से बहुत से लोग इनसे दोस्ती करना पसंद करते हैं और इनके पार्टनर्स इनके इस स्वभाव का फायदा भी उठाते हैं। वेल फ्रेंड्स हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ तो खास होता ही है और उनकी अपने आप में ही एक यूनिक पर्सनालिटी होती है लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये सारे स्टेटमेंट्स और प्रेडिक्शंस मोस्टली बर्नम स्टेटमेंट्स होते हैं यानी ये ऐसे कॉमन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो ऑलमोस्ट सब पे अप्लाई होता है यानी जो भी इसे पढ़ेगा वो मोस्टली इससे रिलेट करेगा ही और अगर ना भी करे तो उसे ऐसे लगेगा कि मैंने कभी ना कभी तो ये चीज की ही है। और एक बात ये या मैं कहूँ ट्रिक जो ये लोग करते हैं वो ये है कि वो कभी भी आपको आपके बारे में सिर्फ एक ही सटीक प्रेडिक्शन नहीं करेंगे बल्कि 4-5 चीजें बोलेंगे। सो लॉ ऑफ सिलेक्टिव बायस की वजह से आप सिर्फ वो एक दो चीजें याद रखोगे जो वाकई में आपसे रिलेट होंगी और सोचेंगे कि हाँ उनका प्रेडिक्शन राइट था यानी बेसिकली ये आपके दिमाग को ट्रिक करता है ये बिलीव करने पे कि अरे तुम्हें पता नहीं है पर तुम ऐसे ही हो याद करो जरा। सो फ्रेंड्स अब आपकी बारी आपका न्यूमेरिक नंबर और आपकी पर्सनालिटी से मिलती जुलती कितनी चीजें आपको मिली ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। साथ ही ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियोस का लुत्फ उठाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।